नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम ऑनलाइन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के बारे में बात करेंगे। बिजनेस को कैसे करना है पूरी चीज़ जानने के लिए आप प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको प्लेलिस्ट पे सारे वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आप देख सकते हो आपको बिजनेस कैसे करना है, प्रॉफिट कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, प्रोडक्ट पैक कैसे करना है और सारी चीज़ें इसमें आपको वैसे ही मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट पे जाओ तो आज उसके आगे बढ़ के बात करेंगे भाई कि आपको उसमें मार्जिन कैसे कमाते हैं, अपने वेजिटेबल में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में प्रॉफिट कैसे होता है। देखो, हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम प्रॉफिट एंड मार्जिन के बारे में बताया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कैसे आप उसमें प्रॉफिट एंड मार्जिन का कॉन्सेप्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो, लगा सकते हो। तो सिंपल सी बात है, वेजिटेबल में बहुत ज़्यादा मार्जिन मिलता है, आपको 50% का मार्जिन इसमें मिल जाता है वेजिटेबल में अगर आप सेल करते हो। तो आप अगर मंडी से सब्जी उठा के लाते हो और उसको सेल करते हो तो अच्छा खासा मार्जिन आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे वेजिटेबल और ग्रॉसरीज की बात करें तो ग्रॉसरी में तो 15-20% का मार्जिन होता है, 10%, 15%, 20%, ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है। पूरी चीज़ें GST ऑलरेडी इंक्लूड होती हैं, पूरी चीज़ें ऑन प्राइस पे बिकती हैं, तो ये चीज़ अलग कहला जाती है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन कौन सी चीज़ें बेच रहे हो अपने ई कॉमर्स बिजनेस में, अपने पैनल पे कौन कौन सी चीज़ें लिस्ट करके रखे हो, क्या आप ग्रॉसरी भी सेल कर रहे हो, क्या आप हाउस होल्ड के प्रोडक्ट ऐड करके रखे हो, क्या आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी बेचते हो। तो ये चीज़ें तो आपको डिसाइड करना है कि आपके जब आपका मोबाइल एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा, बिजनेस रेडी हो जाएगा, तो आप कौन कौन सी चीज़ें सेल करोगे डिसाइड कर लो। दूसरी चीज़ है, जब आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हो तो प्रोडक्ट लिस्टिंग में आप सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से लिस्ट करें। प्राइस, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट में क्या चीज़ें हैं, क्या इसमें फ़ीचर हैं, ये सारी चीज़ों को डिस्क्रिप्शन में लिखें। प्रोडक्ट का नाम अच्छे तरीके से डालें, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट का यूनिट, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। जब आप मार्केटिंग करते हो, जब आपके पास ऑर्डर आते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर जैसे ही आपका आता है तो आप उस ऑर्डर को ऐसा तो है नहीं कि उस ऑर्डर को आप अपने घर पर ही रखे हो, आप उसको डिलीवर करोगे। तो आपको उस ऑर्डर को पैकिंग करने के लिए आपको पहले तो उस ऑर्डर को कलेक्ट करना पड़ेगा भाई कि आपके पास वो प्रोडक्ट है भी या नहीं। आपने अभी स्टोर नहीं खोला, आपने ऐसे ही लॉन्च कर दिया बिना स्टोर ओपन किए, स्टॉक नहीं रखा जरा सा भी, आपने स्टॉक अभी कुछ भी नहीं रखा प्रोडक्ट का, ऑर्डर आने लगे तो भाई आपको तो मार्केट से खरीद के डिलीवर करना पड़ेगा ना कस्टमर को। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ध्यान देनी पड़ेगी। कस्टमर जब ऑर्डर करेगा तो आपको सारी चीज़ आपके एडमिन पैनल पर दिख जाएगी, एडमिन पैनल से आपको ऑर्डर प्रिंट आउट करना है और आपको उसके बाद उसकी डिलीवरी करना है कस्टमर तक। बिजनेस में इस बिज़नेस में ग्रो करने के लिए आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हो यार। जैसे कि मार्केटिंग करते टाइम आप अपने बिजनेस के स्टिकर्स बना सकते हो, आप अपनी कंपनी के स्टिकर बना के आप अपने जो डिलीवरी बॉयज़ हैं उनके बाइक में चिपका दो और होर्डिंग्स लगवा दो थोड़ी बहुत, आपकी कंपनी का नाम धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा, बढ़ने लगेगा, तो आपको उसमें फ़ायदा होगा। हो सकता है उसमें आपको कहीं ना कहीं से फंडिंग मिल जाए और आगे जाके प्रॉफिट तो होती है। आप शुरू ही दिन बिल्कुल प्रॉफिट का मत सोचिए कि आज पहला दिन है, आज आप नहीं इसकी प्रॉफिटिंग की सोच ली कि भाई कितना प्रॉफिट होता है कितना नहीं। तो थोड़ा सा चार्ट पे चलते हैं, देख सकते हैं हम कैसे इसमें प्रॉफिट हो जाता है, कैसे इसमें मार्जिन कमा सकते हैं। तो चार्ट देखते हैं पहले और थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। तो मान के चलते हैं, हम एक अजम्पशन देखते हैं मतलब यहाँ पे प्रॉफिट और मार्जिन की। तो भाई आपके पास आलू 10 किलो है, टमाटर 10 किलो है, इनको आपने 10 रुपये किलो के हिसाब से आपने ख़रीदा 100 रुपये में और 15 रुपये किलो के हिसाब से आपने यहाँ पे टमाटर ख़रीदा 10 किलो। अब इसको प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं, 16 रुपये आपने बेचा और यहाँ पे टमाटर 20 रुपये बेचा, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता है 60 रुपये 50 रुपये दोनों में। एक एग्जांपल है, सिर्फ दो प्रोडक्ट का हम अभी निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं 60 और 50 दोनों का 110 रुपये, ये अपना प्रॉफिट निकला इतने प्रोडक्ट में। ओके, तो मान के चलते हैं अपने अगर 20 ऑर्डर भी हमने डिलीवर कर दिए तो अपना 2200 रुपये यहाँ पे अपना बन जाएगा। डिलीवरी चार्ज हम 20-20 रुपये पर ऑर्डर लेंगे तो 20 ऑर्डर अगर हुए तो 2400 रुपये यहाँ पे ये बनते हैं। टोटल खर्चा अपना बनता है यहाँ पे टोटल कमाई 2600, अगर हम खर्चे निकाल देते हैं 600 रुपये तब भी हमको 2000 रुपये प्रॉफिट बचता है। तो कुछ इस तरह से ये चार्ट मैंने डिज़ाइन किया है, हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक हो, पर मिस्टेक तो नहीं, आई थिंक मैंने अच्छे से ही बनाया है। तो इस तरह से एक अज्यूम बनाया गया है, अजम्पशन है ये प्रॉफिट मार्जिन का। तो ये सिर्फ दो प्रोडक्ट का है, ऐसे आपके अगर डेली बहुत सारे प्रोडक्ट सेल होते हैं तो अच्छा खासा मार्जिन और प्रॉफिट यहाँ पे मिल जा रहा है। तो आपने समझा, हमने इसमें क्लियर समझा दिया भाई कि इस तरह से आपका ऑर्डर, आप कम से कम 10 ऑर्डर पर डे आते हैं तो आपको इतना प्रॉफिट हो सकता है, कमा सकते हो पैसे। तो दोस्तों, आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कोई भी क्वेश्चन हो तो। धन्यवाद।